हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऐप टू रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने YouTube वीडियो के ऊपर थंबनेल्स लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि YouTube वीडियो में थंबनेल्स कैसे लगा सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अमरजीत। इसे देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। सो हेलो फ्रेंड, यहाँ आप अपने यूट्यूब पे है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि YouTube चैनल के वीडियो पर थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान तरीका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने YouTube को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बताऊँगा जिससे यहाँ पे आपके वीडियो पे थंबनेल आसानी से लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज वीडियो पे क्लिक करना है। मैनेज वीडियो पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे इसी वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाना है। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन दिया गया है पिक्चर का, तो यहाँ पे आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके वीडियो के अंदर का कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे अपने वीडियो के पार्ट को भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट मैंने जो यहाँ पे थंबनेल बनाया है उसी थंबनेल को हम अपने वीडियो के ऊपर लगाना है। इसके लिए यहाँ पे आपको कस्टम थंबनेल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना थंबनेल को सबमिट कर देना है, यानी सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना थंबनेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा थंबनेल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे डन करना है। डन करने के बाद यहाँ पे आपको इसे सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा थंबनेल लग चुका है जो कि यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला तरीका तो ये है, और चलिए यहाँ पे मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। तो चलिए इसे हम कट करते हैं। कट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में YT स्टूडियो पे क्लिक करना है। YT स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंटेंट पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको चेंज पे क्लिक करना है। चेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं किसी एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको इसे डन करना है, देन सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरा थंबनेल लग चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने YouTube चैनल के वीडियो पे थंबनेल लगा सकते हैं। और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे Instagram पे फॉलो कर लीजिए।